नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, हम घर से आ चुके हैं। सुबह दूध लाना पड़ता है यहाँ पर डेयरी पे, तो घर से आ चुके हैं और मॉर्निंग का खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ। मेरे पीछे है शिवालय मंदिर। मैं शिवालय मंदिर में कसिया लेके शिवालय मंदिर में बैठा हुआ हूँ। तो पहले सामने मुक्तेश्वर घाटी में खूबसूरत मौसम हुआ है और बढ़िया हिमालय देखने को मिल रहा है। मैं पहले बेहतरीन आपको सुबह का मौसम दिखाता हूँ, फिर अपना दिन स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिन भर बहुत कुछ होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लॉग में अंत तक बनी रहेगा। तो चलिए मुक्तेश्वर घाटी में बढ़िया मौसम हो रहा है, पहले वो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये कुछ व्यू आ रहा है सामने मुक्तेश्वर घाटी और उसके आसपास का। हिमालय देखिए हल्का दिख रहा है, अभी मैं थोड़ा जूम करूँगा। ये देखिए इस कोने से इस कोने तक हिमालय दिख रहा है और ये उसके नीचे गांव सुनक्या दाड़ीमा नथवा खान, ये सारे नथवा खान तो उस साइड आता है, ये सारे इसके गांव आ गए आसपास के। और ये कुछ कसिया लेक का माहौल। अभी मैं खड़ा हूँ बालाजी के पास में। अब देखिए व्यू तो बढ़िया आ रहा है, मस्त व्यू आ रहा है। बारिशों के बाद नमी पहाड़ों में आपको लग रही होगी, काफ़ी बढ़िया माहौल बना हुआ है जो परसों बारिश हुई थी। तो दोस्तों अभी लंच का टाइम हो रहा है, हम जा रहे हैं घर को। और देखिए भाई जो सिलबट्टा उसने परसों बनाया था उसको लेके अभी आ गया है और काफ़ी दूर से सर पे लग के आ रहा है। इसी तरह पहाड़ों में लोग यहाँ पे जहाँ पे रोड सुविधा नहीं होती अपना सामान ये सब हाथों में उठा के या सर पे रख के चलते हैं। आप लोग चल पाओगे ऐसे रास्तों में? तो दोस्तों फाइनली मैं घर पर पहुँचने वाला हूँ, 12 बजे का समय हो रहा है और करते हैं अभी लंच और उसके बाद दिखाता हूँ मौसम। भाई को मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से सिलबट्टा लेके जा रहा था ऊपर, तो इसी प्रकार पहाड़ों में हमें कुछ भी लाना हो तो दूर से रोड सुविधा होती नहीं है तो ऐसे ही लाना पड़ता है। तो दोस्तों लंच करते हैं। लंच में है खिचड़ी, साथ में गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी और साथ में मलाई। और खिचड़ी के साथ मलाई और दही काफ़ी टेस्टी लगती है। तो लंच करते हैं उसके बाद चलेंगे आगे को। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं चौखुटा साइट पे और यहां पर रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है, जो साइट की रिटेनिंग वॉल बन रही है गैरेज के लिए। और कल हमने यहां पे एक कॉलम डाले हुए थे, उनके कॉलम के जो सेटरिंग होती है वो रिमूव कर दी हमने। तो मैं अभी कॉलम के लुक दिखाता हूं आपको। 9-12 का यह कॉलम है तो हमने ये कल डाला हुआ था, तो काम यहाँ पर चला हुआ है। मैं चलता हूँ नीचे वाली साइड पर, यहाँ पर जो रिटेनिंग वॉल के कॉलम थे वो तैयार कर लिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं नीचे आ चुका हूं और देखिए मिट्टी कितनी इकट्ठा होगी है यहां पे, जो नीचे कॉलम खोदें उनसे काफ़ी मिट्टी निकल चुकी है। तो कुछ इस प्रकार की ये साइड है और जो आप धीरे धीरे डेवलप होगी नीचे रिटेनिंग वॉल आ जाएगी और ऊपर काम होगा। तो मैं अभी चलता हूं वहां पे और आपको दिखाता हूं कि कॉलम यहां पे कितनी खुदाई हुई है और खूबसूरत मौसम, खूबसूरत व्यू, शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है यहां से शाम के समय में। तो चलता हूं मैं नीचे आपको। फ्रेंड मैं आ चुका हूं नीचे और आपको रिटेनिंग वॉल की लुक ऊपर से देखने को मिल रही होगी यहाँ पे नीचे, और देखिए कितनी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा हुई है। मैं चलता हूँ नीचे एक बार फिर आपको दिखाता हूँ रिटेनिंग वॉल की लुक। और पास में देखिए, ये पास में एक घर और यहाँ पे बन रहा है कि बाहरी लोगों के यहाँ पे घर बन रहे हैं। और कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं। अभी सामने जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है यह है धानाचुली सुंदरखाल का व्यू, और सामने जो ये लोकल यहाँ पर आपको घर दिखाई दे रहे हैं ये है परबड़ा मजेड़ा परबड़ा रोड। और सामने कुछ इस प्रकार व्यू है और ऊपर की साइड देखिए, ऊपर जहाँ पर ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है आपको खड़ा, यहाँ पर हमारी वो साइड चल रही है जहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया रिटेनिंग वॉल की चिनाई। तो मैं चलता हूँ नीचे अभी। तो फ्रेंड मैं आ चुका हूँ नीचे और ये देखिए हमारी लंबी वहाँ से लेके पूरी यहाँ तक का है लास्ट कोना, ये है लगभग 7 फीट की लंबी रिटेनिंग वॉल यहाँ पर हमने तैयार करनी है। और कॉलम देखिए, जो 3x3 के हमने कॉलम खोद रखे हैं, पहला कॉलम ये है और ऐसे ही दूसरा कॉलम वहाँ पे है, ऐसे ही लगभग इस पर 5 कॉलम आए हुए हैं। आपको एक बार दिखा रहा हूँ मैं किस प्रकार से यहाँ पर कॉलम की खुदाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर काम हुआ है दोस्तों, और इस प्रकार से देखिए हार्ड काम हुआ है, कितना मजबूत यहाँ पर आप देखिए, कितने मजबूत पत्थर को काट के वर्करों ने यहाँ पर काम कर रखा है। और यहाँ पर देखिए बहुत हार्ड पत्थर काट के यहाँ पर कॉलम तैयार करे हुए हैं। ये तैयार हो रहा है दोस्तों बेस, जो ऊपर ये लैंड है इसका ये बेस तैयार हो रहा है। यहाँ से पूरी रिटेनिंग वॉल ऊपर उठेगी और जो ऊपर हमने ये मिट्टी दी, आप देख रहे हैं ये मिट्टी इस पर फिलअप होगी, एक बढ़िया यहाँ पर निकल जाता है प्लॉट। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर काम हुआ है। और सामने में देखिए बारिशों से खेतों में काफ़ी बढ़िया नमी बनी हुई है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर गेहूँ
उगने लगे हैं और गेहूं की जमावट यहाँ पर हो रही है। तो कुछ इस प्रकार का शानदार व्यू है अभी जो देखने को मिल रहा है चौखुटा से, और खूबसूरत वेदर, बढ़िया धूप खिली हुई है, हल्का ठंडा ज़रूर हो रहा है यहाँ पे। तो इस साइड पे आप लोगों को काम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के काम यहाँ पे हम कर रहे हैं हम, और सुबह से मैं यहाँ पे आ गया था। सुबह से मैं आपको ब्लॉग दिखाता हूँ किस तरीके से पहाड़ों में काम होते हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि मैं आ जाता हूँ अपने भाई के साथ और काम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो। अगर आप यहाँ पर काम करवाना चाहते हैं या यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपकी भी ज़रूर हेल्प हो। अगर आप यहाँ पर काम करवाना चाहते हैं, आप लोगों ने प्रॉपर्टी ली है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई से। मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए कुछ यहाँ पर अगर आप बनवाना चाहते हैं तो। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा था रिटेनिंग वॉल का। तो अभी लास्ट यहाँ पर रिटेनिंग वॉल का काम जो ऊपर से डीपीसी है उसका कार्य किया जा रहा है। कॉलम हमने यहाँ पर भर दिया आप देख सकते हैं, और कल इस पर चिनाई होगी, ऊपर डीपीसी करी जा रही है। अभी मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ इसका लुक। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी बहुत जो चिनाई यहाँ पर होगी है तकरीबन 3-4 फीट, उसके ऊपर बढ़िया डीपीसी करी जा रही है, और इसके ऊपर फिर चिनाई करी जाएगी कर लगभग 9 फीट इसकी हाइट है, और 9 फीट के बाद इस पर लेंटर आएगा। जो ये छोड़ा हुआ एरिया है यहाँ लेंटर आएगा, और यहाँ पर बगल में और दीवार आएगी, तो एक बढ़िया गैरेज निकल जाता है। तो देखिए ये था हमारा आज दिन भर का काम यहाँ पे। अभी हो चुकी है छुट्टी, 5 बजे का समय हो चला है, तो हम भी चलेंगे घर की तरफ। और काम आप लोगों को कैसा लगा हमारा कमेंट में हमें ज़रूर शेयर करिएगा। और काम आपको करवाना है मुक्तेश्वर एरिया में तो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एंड करते हैं यहीं पर आज का ब्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।